हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जैविक पासिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग बात करें किस तरीके से हम जैविक को पास कर सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा और आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तब ज्यादा क्लियरिटी आएगा। सबसे पहले मैं बात करते हैं पासिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो हम लोग फेल ही क्यों करते हैं, हम लोग वाई फेल, हम लोग क्यों फेल करते हैं, वाई डू वी फेल, फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है, फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है शॉर्टकट मारना। एकदम खुल के बता रहा हूँ, शॉर्टकट मारने से हम लोग फेल करते हैं। कभी भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तो दो दिन पहले चार दिन पहले पढ़ते हैं हम लोग, कभी प्रिपेयर ढंग से नहीं करते। अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे तब कहां से पास होगा। शॉर्टकट में क्या हो गया कि हम लोग वीडियोस देख लिए कुछ या नोट्स डाउनलोड कर लिए, ठीक है, और हमें लगा कि हमने अपना जिम्मेवारी पूरा कर लिया। क्या कर लिया, अपना जिम्मेवारी, जबकि आप ये भूल रहे हैं ये कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप जेआईबी निकालोगे तो आपको प्रमोशन में भी हेल्प होने वाला है, जेआईबी निकालोगे आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, ये सब चीज भी आपको सोचना है। तो अगर आप ये नोट्स और वीडियो जो डाउनलोड करते हैं पढ़ते हैं, इसमें आप ये समझिए कि सबसे बड़ी बात है इनकम्प्लीट होती है, पूरी नहीं होती। क्यों इनकम्प्लीट में बोल रहा हूं, एक हेडलाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, एक हेडलाइन लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कोर्स की डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, कोर्स की डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। कोर्स की डेप्थ में पढ़ना होगा आपको, जब गहराई में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि ये सब चीज जो है आपको बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे कंटेंट जो है वो मिसिंग होती है, वो डाला हुआ ही नहीं रहता है। अगर इतनी चीजें मिसिंग होगी तो कहां से होगा, एग्जाम में जब जाएंगे तो कहीं से पूछता है, ज्यादातर वैसे वैसे चीजें पूछता है जो आपको लगेगा यार तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जैवी में एक चीज और है, अगर मैं जैवी की बात कर रहा हूं तो जैवी को हम लोग दो भाग में यहां बांट सकते हैं। एक तो है बुक, जो बोल सकते बुक यानी बुक की जो थ्योरी होगी, ठीक है, और एक हो गया आउटसाइड क्वेश्चन या आउटसाइड बुक बोल लीजिए। आज की डेट में यहां से 60-70% का सवाल यहीं से आता है, जबकि यहां पे 30-40% के सवाल आज की डेट में आ रही है, और ये कोई बताने वाला है ही नहीं। फेल तो करेंगे ना हम लोग, फेल करेंगे। आपको ये समझना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि एक आदमी अगर कोई पास कर जा रहा है एक रात जगह के तो सब लोग नहीं पास कर सकते। हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज को लेके चलना है और उस हिसाब से काम करना है कि आपको पास हो सके। दूसरी बड़ी बात है यहां पे, आप आज समझिए, दूसरी बड़ी बात यहां पे क्या है कि जो हम लोग शॉर्टकट मारते हैं ना, शॉर्टकट से आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, नेवर गेट सक्सेस। तो शॉर्टकट से आपको सक्सेस नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप हर चीज को सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे फटाक से हो जाएगा, वैसे कर लेंगे फटाक से हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर ऐसा होता तो सारे लोग पास कर जाते, ऐसा होता सारे लोग पास कर जाते। आप यही सोचिए ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जेआईबी में अगर मैं बात कर रहा हूं वन अटेम्प्ट में या एक बार में जो पेपर पास करते, ऑल थ्री पेपर पास करने वाले, ठीक है, मुश्किल से आप ये समझ लीजिए कि 5% भी नहीं होंगे, मुश्किल से बता रहा हूं। तीन पेपर एक बार में पास करने वाले 5% भी नहीं होगा, ज्यादा लोग ऐसे एक पेपर निकलता है तो दो रह जाता है। आपको ये चीज भी यहां पे समझना होगा। और हर चीज क्या मांगता है, अच्छा एक चीज शॉर्टकट, आपको जो सक्सेस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा सेक्रीफाइस से मिलेगा। हर कोई सेक्रीफाइस खोजता, सक्सेस तभी आएगा ना, सेक्रीफाइस कुछ देंगे, कुछ कुर्बानी देंगे। कुर्बानी क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, यहां पे थोड़ा आप टाइम देंगे स्टडी के लिए, है ना, टाइम देंगे थोड़ा स्टडी करने के लिए। अगर आप नहीं दीजिएगा लास्ट में आपको ही सफर करना पड़ेगा। और एक साइकिल है, हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, ठीक है, हर 6 महीने पे एग्जाम होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हैं चलो एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे कर लेंगे, आपका ये 6 महीना तो फिर गया ही गया, अब नया 6 महीना और लगेगा उसको पास करने में, फिर गड़बड़ करेंगे फिर 6 महीना लगेगा, फिर गड़बड़ करेंगे फिर 6 महीना लगेगा, ये साइकिल आपको चलते रहेगा, ठीक है, और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा।
आपको ये समझना क्यों नहीं मैं एक बार भी पढ़ के पास कर जाऊं, सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं मैं एक बार भी पढ़ के पास कर जाऊं। ऐसा भी तो लोग सोच सकते ना, एक ही बार पढ़ेंगे और हम लोग पास कर जाएंगे, हो सकता है, अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्या आप हर दिन एक घंटा का समय नहीं दे सकते? क्या आप हर दिन डेढ़ घंटे का समय नहीं दे सकते? क्या आप हर दिन दो घंटे का समय नहीं दे सकते हैं? इतनी सी सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, इतने सा। ठीक है, अगर आप ये चीज देने को तैयार हैं, ठीक है, तो छह महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सिक्स मंथ का में आपको रिजल्ट आ जाएगा, सिक्स मंथ भी नहीं बोलिए, इसको बोलिए कि थ्री मंथ्स में आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पर आपको पढ़ना होगा। आप ये सोचिएगा ना, हो जाएगा, कर लेंगे, तब तो फिर पास कर गया। ठीक है, और साइकिल हमेशा ऐसी साइकिल, गोल गोल साइकिल, आपको राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड आप देते रहोगे, लास्ट में थक जाओगे, कोई चार बार, कोई पांच बार, कोई छह बार अटेम्प्ट देते रहेगा। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग का ये भी फोन आता है कि हम लोग सर बुक से भी पढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बाहर से आता है, नेचुरल से बात है, बाहर से पूछ ही रहा है, मैं इसलिए लिख दिया 30-40% आता है, आपको ये भी देखना होगा, बुक में है ही नहीं सब चीज, क्योंकि बुक जो होती है वो अपडेट नहीं करती है, बहुत पुराना बुक वही बुक को चला रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, और चेंज की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसा पूछा है जो बुक में है ही नहीं, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है उसका, वो भी सवाल आ रहा है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना और समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला सक्सेस आएगा सेक्रीफाइस से, सेक्रीफाइस का मतलब थोड़ा टाइम देंगे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी के लिए, जो यहाँ पे एक से डेढ़ घंटा अगर आप दे रहे हैं तो तीन महीने का समय काफी है आपको पास करने के लिए। ठीक है, अब इस पासिंग स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा मेरा चीज क्या है, गोल, आपको गोल बनाना होगा, एक मिशन बनाना होगा, या एक बोल सकते कि विजन। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि बस पास कर जाए, राइट, यानी 50% नंबर आ जाए, ऐसा सोचते हैं हम लोग। क्या जो हम लोग सोचते हैं क्या वैसा 100% हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होता, जितना हम सोचते उतना, हम लोग सोचते आज ये कर लेंगे, आप ही देखिएगा ना, अब जब ब्रांच से घर आएंगे तब सोचेंगे हम लोग ये आज मैं ये पढ़ूंगा या आज मैं ये करूंगा, क्या हर बार वैसा हो सकता है? नहीं हो पाता है। यानी मैं ये मानता हूँ सारे लोग तो 50% नहीं ला सकते, कुछ लाएंगे, हो सकता है ज्यादा तो नहीं ला पाएंगे लोग, तो उसका आएगा 49%, अगर 1% भी कम आया और आप हो गए फेल। थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग और बढ़ा देते, अगर हम लोग बात करें कि भाई हम लोग फर्स्ट क्लास पास करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास पास क्या है यहाँ पे, वो हो गया 60%। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 60%, मैं स्कोर बढ़ा के 65% करूंगा, उसमें से 1% कम कर दीजिए, दैट इज 64%, और आप तब पास तो खैर कर ही रहे आप। ठीक है, क्या हो रहा है, पास, फर्स्ट क्लास पास कर रहे, क्यों हम लोग 65% का गोल नहीं रख सकते, बड़ा गोल रखिए ना, छोटा गोल मत रखिए। एक सबसे पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं, और मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करिए। सबसे पहला वन, वॉच वीडियो। ठीक है, आप वॉच वीडियो करिए, सबसे वीडियो को सुनिए। जब आप वीडियो सुनते हैं तो दूसरा काम क्या करना है, मेक योर ओन नोट्स, अपना नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है अपना नोट्स बनाए। स्टेप थ्री, डू ए रेगुलर रिवीजन। ये काम कर रहे तो आप फेल नहीं कर सकते, कभी नहीं फेल कर पाइएगा, कभी फेल कोई कर ही नहीं सकता आपको। अब होता ये है कि हम लोग जो वीडियो होता है हम लोग उसको वॉच मैंने करने के लिए बोला, आपने वीडियो एक बार सुन लिया तो आपने वन टाइम स्टडी किया। अगर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो आप यहां पे एक बार
मन ही मन बोलते हैं ना, लिखते हैं तो उसे मन ही मन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उस केस में यहाँ पे दो बार आपने स्टडी किया, टू टाइम्स स्टडी किया, कितना हो गया, थ्री टाइम्स स्टडी किया। कैसे थ्री टाइम्स हुआ, एक बार से वीडियो सुना, जब आप नोट्स बनाते हैं तो मन ही मन बोलते हैं और लिखते हैं, बोलना और लिखना ये दो स्टडी हो गई आपकी। और जो नोट्स बनाया है ना, ये आपको एग्जाम टाइम पे समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस, एग्जाम टाइम पे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और रिवीजन में आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। रिवीजन में आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि आप बस पेज टर्न करेंगे कॉपी का, आपके दिमाग के अंदर पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये हुआ परफेक्ट तैयारी, मतलब मैं बोल सकता हूं परफेक्ट प्रिपरेशन हुआ आपका। हाँ, सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा नोट्स बनाने में, पर आप करिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा। आप छह महीने के चक्कर से बचना चाहते हैं, बार बार छह महीने से करना पड़ेगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट से पास नहीं करता है, ठीक है। ऐसा ही होता तो सारे लोग पास कर जाते, क्या जरूरत है ये सब करने का, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं समझिए, अगर मैं एक बार एग्जाम दे के फेल कर गया हूं तो मुझे तो सीख ले लेनी चाहिए, बार बार फेल करने से क्या मिलेगा, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर हो जाएगा, आप क्वेश्चन बैंक करिए। स्टेप नंबर फाइव, गिव मॉक टेस्ट। तो आपका इतना चीज अगर आप कर रहे हैं फिर मुझे नहीं लगता है कुछ घबराने की जरूरत है आपकी, ठीक है। इसी के लिए हम लोग ने प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। यही कोर्स करिएगा, सबसे बेस्ट कोर्स है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देते हैं आपको, एक तो हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो, चौथा हो जाएगा आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, यहां से लिख लेते हैं 13,500 सेट का एक क्वेश्चन बैंक होगा। छठा हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट रहेगा, क्या क्या रहेगा, वीडियो लेक्चर कोर्सेज, अकाउंटिंग का नोटबुक वीडियो, लीगल सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो, नोट्स रहेंगे पीडीएफ 13,500 क्वेश्चन बैंक होगा, 30 मॉक टेस्ट। इतना आप कर लेंगे आपको काफी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, इसी में अगर आप जो JAIB का मान लीजिए कि प्रिंसिपल्स कर रहे हैं आप, तो उसका दाम है प्रिंसिपल्स, या फिर आप लीगल कर रहे हो कोई पेपर कर रहे हो तो उसका दाम है यहां पे 1200। JAIB का अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपए, और अगर आप JAIB का कॉम्बो पैक लेते हैं यानी ऑल थ्री पेपर्स, यहां बोल सकते हैं ऑल थ्री पेपर्स, तो इसका प्राइस है 3000 रुपए, ठीक है।
और जो भी कोर्स आप खरीद रहे हैं ये वैलिड है लाइफ लॉन्ग के लिए, वैलिड फॉर लाइफ लॉन्ग, जब तक कि पेपर आपका निकल नहीं जाता है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट है www.jaiipcaiipstudymaterial.com। ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।